तो हे गाइस कैसे हो, अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग सीवी एडिटिंग तो वीडियो में बढ़े, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो सिंपली आपको एडोब स्केचबुक ऐप ओपन कर लेना है, उस पर ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये वाला ब्रश चूज कर लेना है जो कि स्मज में स्मज लिखा हुआ है, उसी में सेटिंग है वो जो मैंने पहले मार्क किया था। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फेस पे इस तरह अप्लाई करना है। साइज को अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैंने बारीकी से पूरी तरह से आपको समझाया इस वीडियो में। तो सिंपली इस तरह से आप लोग अच्छे तरीके से फेस पे स्मूथ करें, और साइज़ छोट हो तो वहाँ पे छोट साइज़ लेकर ही ब्रश करें, और जहाँ बड़ा की ज़रूरत है वहाँ बड़ा लेकर साइज को इस तरह फेस पे स्मूथ करें। मैंने वीडियो को थोड़ी स्पीड कर दी है। अगर आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए सिर्फ फेस स्मूथ का तो चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नहीं तो इससे भी आप सीख सकते हैं। साइज़ तो बता दिए हैं, अगर स्मूथ करना सीखना है तो इस तरह स्मूथ कर ले। और फुल ट्यूटोरियल चाहिए फेस स्मूथ और फेस वाइट का, ओनली फुल ट्यूटोरियल, तो जाके यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप लिप्स नोज जहाँ करना चाहते हैं वहाँ स्मूथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार फेस पे स्मूथ कर ले। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे फेस स्मूथिंग और वाइट में, कोई भी दिक्कत फोटो एडिटिंग के बारे में, तो चैनल कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ आपको साइज छोटा लगे वहाँ साइज छोटा करके ही फेस को स्मूथ करें, और अच्छे तरीके से टाइम दे के स्मूथ करें, बिना टाइम के स्मूथ अच्छा नहीं होगा। तो फेस पे कर लेने के बाद आपको गर्दन हाथ जहाँ अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको सीखना है सच में तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी है, और इसमें जितने मटेरियल यानी कि बैकग्राउंड हेयर शेडो इससे जितने भी बैकग्राउंड पेज है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो जाने के बाद आपको ये मैंने दिखाया है, शो किया है, ये ब्रश चूज करने के बाद आपको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेडिशनल में जाने के बाद वो ब्रश चूज करने के बाद आपको इस तरह फेस पे अप्लाई कर लेना है। जहाँ जहाँ आपने स्मूथ किया है वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर ले। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल यानी कोई भी पूछना हो मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जितने भी मटेरियल लिंक्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सो अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ आपने स्मूथ किया था उसी पर वाइटनिंग इफेक्ट दे देंगे। तो वीडियो देरी होगी आपको समझाने के लिए, इतना लेट लग रहा है तो वीडियो को एंड तक देखें। तो अपने हिसाब से आसानी से धीरे धीरे प्रयास करते ही तब सीखेंगे आप लोग। तो टाइम लगे जितना लगे टाइम लगने दें,
और एक्स्ट्रा अगर वाइटनिंग हो जाता है जैसे कि शरीर के बाहर, तो वहाँ से इरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद इरेज कर ले। फेस स्मूथ हो जाने के बाद मैंने एक शुरू में फ़ोटो दिया था ब्रश वाला, वो सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद आपको रेड कलर सिलेक्ट करके लिप्स पे इस प्रकार आपको ब्रश अप्लाई कर लेना है। और ओपेसिटी वाले जाने के बाद ओपेसिटी को घटा बढ़ा लेना है अपने फेस के अनुसार। तो इस ऐप का लगभग काम पूरा है। तो सिंपली हमने पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। इसका बैकग्राउंड टेलीग्राम पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली बैकग्राउंड के लेने के बाद यहाँ पे अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना है तो मैंने एक पहले ही ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से बैकग्राउंड इरेज करने को सीख ले। और यहाँ से मैंने एक और ऐड लेयर करूँगा जो कि इसका है। इसका भी लिंक आपको जितने भी मटेरियल और बैकग्राउंड लिंक है वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में। तो इसका भी मैंने इस तरह प्रकार फेस के पीछे सेट कर लेना है। फेस के पीछे अच्छा से सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेचुरेशन कम करके और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा वाइट हो गया, पहले नीला था अब वाइट हो गया है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद अपने बैकग्राउंड से सेट करके अपने मॉडल को डिलीट कर देंगे और फिर से ओपेसिटी को भी अपने अनुसार बढ़ा घटा ले बैकग्राउंड के अनुसार। तो इस प्रकार ठीक है। तो फिर से अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। तो मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद तो वहीं जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार बैकग्राउंड को मैच कर देंगे। साइज छोट भर करके अपने बैकग्राउंड से मैच कर ले। बैकग्राउंड से मैच हो जाने के बाद आपको ऊपर एक टिक का निशान दी रहा होगा, तो उस पर क्लिक करने के बाद एक और लेयर लेंगे शेडो का। तो सिंपली इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ मिल जाएंगे। तो सिंपली एडजस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद हुयू पे जाएंगे। हुयू पे जाने के बाद आपको नीला कलर सेट कर लेना है। तो इतना काफ़ी अच्छा है। तो इसी पे क्लिक करके सेट कर लेंगे और अपने बैकग्राउंड के अनुसार फेड करके जूम करके अपने बैकग्राउंड के साथ मिला के सही कर देंगे। तो इतना काफ़ी अच्छा है। तो टिक कर लेते हैं। टिक करने के बाद आपको एक लाइट पीएनजी लेना है। लाइट पीएनजी लेने के बाद आपको नीचे लाइट है हेडलाइट, तो सिंपली उसी पे इस प्रकार रखना है। रखने के बाद इसको भी वाइट कर देना है क्योंकि वाइट फेडेड है तो वाइट अच्छा लगेगा। तो इसको थोड़ा एडजस्ट में जाने के बाद लाइट सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे। तो इतना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो टिक करके सही कर लेंगे। तो यहाँ पे सेचुरेशन जाने के बाद अपने अनुसार एडजस्ट कर ले। इतना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसके बाद सेव कर ले। सेव करने के बाद एक हेयर पीएनजी लेंगे जो फेस मॉडल के फेस पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार फेस से सेट कर ले। तो इतना काफ़ी अच्छा है। और एक्स्ट्रा पार्ट फेस पे आ जाए तो यहाँ पे मिटाने वाला आइकन पे क्लिक करके आपको जहाँ हेयर है वहाँ रहने देना है। अगर फेस पे एक्स्ट्रा आ जाए तो ओपेसिटी को कम करके अनुमान लगा के देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपेसिटी कम करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है कि फेस पे कितना आया है और कितना नहीं आया है। तो जो जो हिस्सा फेस पे आए वहाँ से इरेज कर ले। और यहाँ देखिए थोड़ा कट दिख रहा है बाल पे भी, तो यहाँ पे ओपेसिटी कम करके यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का मार देंगे क्योंकि नहीं पता चले। सिंपली हो जाने के बाद टिक करके सेव कर ले और ओपेसिटी को फुल कर दे जो पहले ओपेसिटी को घटाया था। और यहाँ से फोटो को सेव कर ले। सेव करने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो सिंपली यहाँ से हम लोग एक टेक्स्ट आइकन लेंगे जो कि रेसर का है। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद अपने मॉडल के अनुसार सेट कर ले अच्छे तरीके से। तो इतना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से सेव कर ले।
तो टेक्स्ट को फोटो के साथ अच्छे तरीके से मैच करने के बाद ऊपर वाले आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव्ड कर ले। सेव्ड करने के बाद स्नैपसीड ऐप को ओपन करें, तो सिंपली टूल वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ एक सिलेक्टिव का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जहाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे केस का कवर नहीं चला था, यहाँ पे वाइट की तरह लग रहा है, तो छोटे करके वहाँ पे ब्लैक कर लेंगे जो कि हेयर के साथ मैच हो जाए। जहाँ जहाँ लगे वाइट है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे केस का कवर नहीं चला था, तो वहाँ पे ब्लैक कर ले। देखिए उसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पे थोड़ा वाइट लग रहा था, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा ले और ब्लैक थोड़ा कम कर ले, और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्टिव वाले जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी बचा हुआ है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस को घटा ले और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दे, सिचुएशन के कम करके स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा कम कर दे। और यहाँ पे देखिए सीवी ड्रेस को कैसे सीवी बनाए, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्टिव में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा ले और स्ट्रक्चर को भी बढ़ा ले। तो देखिए यहाँ पे पहले और अभी कितना अच्छा दिख रहा है, तो आपको जितना फोटो के अनुसार दिखे उतना स्ट्रक्चर। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए उसका कलर चढ़ गया, तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सैचुरेशन को कम कर देंगे कि देखने में काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आप करके देखिएगा, अगर ड्रेस को ब्लू आइकन में कर देते हैं तो इसका इफेक्ट बाइक या फिर बैकग्राउंड के शेडो में आ जाता है, तो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से ब्लैक कर देंगे और उस कलर को रिमूव कर देंगे। और इसको भी थोड़ा सीवी इफेक्ट देने के लिए कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएं और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा बढ़ा दें। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा नीला का इफेक्ट आ चुका है, तो इस पर कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे और ब्राइटनेस को अपने एडजस्ट के अनुसार घटा बढ़ा ले और सेचुरेशन को कम करके स्ट्रक्चर को भी बढ़ा ले। यहाँ पे सिंपली क्लिक करने के बाद स्ट्रक्चर को और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सीबी इफेक्ट का दिख रहा है। और ऐसे ही आपको फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर फेस पे कोई दिक्कत लगे यानी कि ब्लैक वाइट हो जाए, तो वहाँ पे भी सिलेक्ट करके वाइट ब्लैक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जहाँ लगे वहाँ तक अच्छा से फोटो एडिटिंग करें, जितना टाइम लगे उतना फोटो एडिटिंग अच्छा तरीके से करें। तो लगभग अपना फोटो बनके तैयार है, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे और शेयर भी कर दे।